सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक हॉन्टेड ब्लॉग शूट करने, ठीक है। मैं, मेरा भाई और मेरे कजन्स वगैरह, और जो तुम्हें मैं बता रहा था, महल जो है वो यहाँ से दिखता है सामने, ये रहा, ये मंदिर दिख रहा है और ये बीच में, यहाँ हम जा रहे हैं। बताओ भाई कुछ इसके बारे में। तो गाइज, ये महल जो है तो त्यागी रियासत का। हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बाकी इसके आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे, और सिम्बा को भी साथ लेकर चल रहे हैं। हम ये बोल रहा है कि मैं भी साथ ही जाऊंगा। और वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि महल में बंदर भी है। महल में बंदर भी, तो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हमें लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, एक ये रहा वो बॉडी बिल्डर हमारा, ठीक है, ये भी जाएगा साथ, और एक ये मेरा कज़न है, इससे ही मिल लो। चलते हैं और तुम्हें ब्लॉग दिखाते हैं, बहुत बढ़िया सा। एंड गाइज, मैं तुम लोगों को अपनी नानी जी से मिलवा देता हूँ, ये बैठी हुई। नानी जी नमस्ते। हाँ नानी जी, इस महल के बारे में थोड़ा कुछ बताओ सबको। क्या बताओ भैया? नहीं, फिर भी लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं इस महल के बारे में? कौन रहता था यहाँ भैया? कौन था वो? नाम है उसका, राजा था। हाँ, हाथी बारह गाँव है उसके नाम। 12 गाँव थे नाम? हाँ, नहीं सुना भैया हमने, पर हमारे गाड़ी तो कोई नहीं आई, ना जब हमारी गाड़ी हुई है। हाँ जी, ना कोई जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब राजा रानी जो थे, उनके मरने का कोई आया नहीं है कभी? आया को आ जाना जैसे। नहीं, वैसे कोई उसके बाद कोई राजा अलग कोई इसने इस पे फर्क से रखो, कोई भी नहीं आया? कोई लेता ना इसकी मुद्दा, अच्छा ना आए। अच्छा नहीं है? हाँ, घर को उल्लू बोल गया कहिया, कोई क्या भगवान ना आई इसे सया ना किसी को भी, कोई रहता ना नहीं इसमें रहवे ना। हाँ, तो मतलब इसको वो आया है इसमें? वैसे तो नहीं सुनी, अगर इसमें ऐसी सुरंगी नीचे 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 मेरठ पहुँच जाए गाड़ी जाती गई है उनकी। अच्छा जी, राजा रानी होगी अब ये सब ढेट आ गए। हाँ जी, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो कुछ भी ना, सब ढेट आ। हाँ जी, तो यार इतनी बात थी नानी जी के साथ, अब हम लोग निकल रहे हैं। ये आशीष, और वैसे तो गप्पू बुलाते हैं हम इसको, डोबी बुलाते हैं, आकांशु है इसका नाम, आकांशु भी नहीं है, क्या नाम है तेरा? आकांश। आकांश है, हम डोबी बुलाते हैं। और ठीक है, पांडे जी ये रहे, अपना नाम बताओ। अपना नाम बताओ अपना। रुद्राक्ष दागी फ्रॉम क्लास 6। ओके, थैंक यू। एंड ये रही महल की दीवार, ये बिल्कुल हमारे घर से लगी हुई है। घर तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, ये रहा, ये वाला बहुत बड़ा है, पीछे तक जा रहा है। एंड ये इसकी दीवार है, तुम लोग देख लो, ये खिड़कियाँ वगैरह थी, ये सब कुछ बंद कर दिया अब यहाँ पे। अब तो भाई बहुत पुराना हो गया, बहुत टाइम हो गया इसको, तो दीवार वगैरह सब कुछ टूट चुकी है। एंड ये सब हमारे साथ जा रहे हैं, ये बच्चे नहीं हैं, छोटे छोटे, ये बड़े बड़े, ठीक है। ये सामने से कुछ है, ये रहा एक छोटा गेट, और ये बन रहा है अब तो, इस पर रिस्टोरेशन का काम हो रहा है। एंड वो वाला मेन गेट है वहाँ से, एंड ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। एंड ये वाला मंदिर जो है, मेरे नाना जी ने बनवाया था, इसको भी मैं तुम लोगों को अंदर से दिखा दूंगा। एंड ये इसका दरवाज़ा इस पर खुला हुआ है, अभी चलते हैं इसमें, देख लो अंदर से कैसा खंडर सा हो रखा है। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? फिलहाल भाई इसके जो सीढ़ियाँ हैं उन पर लगा हुआ है ताला, तो जिस बंदे पर इसकी चाबी रहती है उसके घर जा रहे हैं, उसे चाबी लेकर आएंगे ताकि हम ऊपर तक जा सकें, पूरी तरह से पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो बाहर से अब देख लो ऐसा कुछ है बाहर से, भाई बहुत बड़ा है, ये खिड़कियाँ वगैरह रही।
यार चाबी ले आया है, दिखा दे भाई। अब फटाफट चल रहे हैं अंदर और एंट्री ऐसी है। चलो ऐसा कुछ दिखता है सारा। और एक रूम बना हुआ है भाई, मतलब ये सब कुछ उसी टाइम का है, ये रिस्टोर करा गया है, ये सब कुछ था वैसे ही अपनी जगह पे ही। और सामने से दिखा देता हूँ, ये सारा उसी टाइम का, ये रूम वगैरह सब कुछ। ओ तेरी आशीष टॉर्च दिखा जल्दी, चमगादड़ देख अंदर, चमगादड़ देखो। तो भाई रिस्क नहीं लेना बिल्कुल। अब ऊपर कौन सा अच्छा, हाँ ये देखो यार, यहाँ था झूमर। आज का गाइड हमारा आशीष है भाई। दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा तो मैं खोल चुका हूँ, डायरेक्ट ऊपर चलेंगे और फिर इसके बारे में बात। और ये देखो क्या लिखा है, ऊपर जाना सख्त बना है, सख्त बना है, पर आप लोगों को दिखाने के लिए हम तो जाएंगे। हाँ चलो एंड कितने फ्लोर हैं इसके वो भी बता देते हैं भाई। एक हो गया, हाँ। हो गया। यहाँ पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा है सब जगह। अभी आप लोगों को भी पता होगा कि दो तीन दिन पहले अभी नॉर्थ इंडिया में अर्थक्वेक आ गया था, तो यहाँ पर दो तीन दीवारें और गिर गई हैं। अच्छा यहाँ गिरी थी, यहाँ पे दो तीन दीवारें गिरी हैं। अभी हम यहाँ नीचे खड़े थे, आप देखो ये है झूमर वाला पोर्शन जो मैं चेक दिखा रहा था। एंड ऐसी कुछ कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई है, ये उसी टाइम की हैं, ये किसी ने यहाँ पे रखी नहीं है। ये सब कुछ जो तुम्हें वर्क दिख रहा है यहाँ पे, जो डिज़ाइन वगैरह दिख रहा है सारा, ये सब कुछ उसी टाइम का है। तो यहाँ के ये दिखा देते हैं अंदर क्या है, देख लो भाई। भाई ये बहुत बड़ा महल है, बाहर से छोटा दिखता है बट अंदर इतनी जगह हैं इसमें, ये देख लो भाई। अभी इसको सिर्फ ऐसे एकदम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, फिर ऊपर से जब वापस नीचे आएंगे तब आपको इसकी दो तीन ऐसी जगह दिखाता हूँ जो हिडन है, ज़्यादातर लोगों ने देखी नहीं है। कुछ ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट जहाँ पर कोई छुप सकता है, या कोई मतलब उस टाइम पे राजा महाराजा अपने सामान रखते होंगे वगैरह कीमती चीज़ें, वो चीज़ देखेंगे ऊपर से आने के बाद। अभी डायरेक्ट हम चलते हैं पहले इसकी छत पर। अब चल रहे हैं भाई इसके सेकेंड फ्लोर पर। भाई ये तो सस्पेंड डरावना लग रहा है, इतना देखना भाई। इस पे हर फ्लोर पे ऐसे कंपार्टमेंट है नजर वगैरह रखने के लिए, कुछ भी सामान वामान रखने के लिए होंगे उस टाइम पर, ये हथियार वगैरह रखने के लिए सारा। अब तो ये काफी टाइम से यूज में नहीं है, तो आप देख सकते हो हालत तो खराब ही हो रही है भाई। तुम लोगों को अब सेकंड फ्लोर दिखाते हैं अंदर से। ऐसा कुछ दिखता है, मतलब डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम है बट जगह की हालत बहुत ख़राब है। ये उस टाइम का डिज़ाइन जो बना हुआ था वॉल पे। इस वाले रूम में देखते हैं क्या है, ये खिड़की ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे भाई, बहुत ऊपर है सब कुछ। देख लो भाई, आ जाओ तुम्हें दिखा देता हूँ मैं कौन से जगह की बात कर रहा था जो अभी अर्थक्वेक में गिर गई दोबारा से दीवार। भाई ये वाला पोर्शन है जो भी गिरा है, अभी बना रहे हैं इधर ठीक से कुछ। अच्छा ये पोर्शन सारा टूट गया था, टूट गया था ये जो कुआं है दोबारा से खोदा है इन्होंने, अच्छा दोबारा खोदा है। पहले से बंद कर रहे थे कि लोगों को आते थे कोई गिर गिरा जाए, पर अब दोबारा से खोल रहे हैं। ये देखो काम कर रहे हैं, काम चल रहा है रेनोवेशन का यहाँ पे भाई। अगर ये दोबारा से आ जाता है अपनी पुरानी कंडीशन में तो बढ़िया टूरिस्ट प्लेस जाएगा, बहुत खतरनाक भाई हो ही जाएगा। ये तो देखना कैसे खिड़कियां वगैरह इन्होंने बना रखी हैं, क्या आर्किटेक्चर था उस टाइम पे। और भाई आशीष कितना पुराना होगा फिर भी भाई, रघुवंश है ये महल जिनका है, रघुवंश कहते हैं, राजा का नाम था रघुवीर सिंह त्यागी,
चौधरी रघुवीर सिंह त्यागी, तो लास्ट राजा वही रहे थे। अब वो पता नहीं कब से चल रहा है इनका शासन, तो बट काफ़ी पुराना है, देख कर पता चल सकता है कि काफ़ी पुरानी जगह है। यहाँ पर फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पर भी गांधी जी आए हुए हैं 1928 में। आप देखोगे, थोड़ी सी रिसर्च करनी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको डालना कि असोड़ा महल पर विजिट की थी महात्मा गांधी ने, तो फर्स्ट में आपको मिल जाएगा कि 1928 में गांधी जी ने यहाँ असोड़े महल पर विजिट किया था अपने फ्रीडम टाइम के स्ट्रगल के टाइम पर। तो भाई तुम समझ जाओ ये कितना ही तो पुराना है, ये 100 साल 100-200 साल से तो बहुत पुराना है। 100-200 साल का तो आर्किटेक्चर नहीं है, उससे कम से पुराना। और ये देख लो भाई, पेंटिंग बनी हुई है यहाँ, ये उसी टाइम की है, ये बनाई नहीं गई दोबारा, ये सब कुछ उसी टाइम का है, ये देख लो। एंड यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऐसे कहीं भी आप ऐसी जगह पे जाओ तो ऐसे कभी मत लिखा करो, नहीं लिखना चाहिए बिल्कुल भी। देखना सारी दीवारों पे लिख रखा है, नहीं लिखना चाहिए। और ये देखो यहाँ भी इतना लिख रखा है, भाई मत लिखा करो, ये सब जगह खराब होती है ऐसे, ये देख लो। अब आशीष बता रहा है 3-4 जगह और पेंटिंग है। आशीष आ गया, मुझे पता भी नहीं आशीष कहाँ पर है। पेंटिंग एक ये बनी पेंटिंग भाई, इसमें देखोगे तो हर वॉल पर है, पर खराब कर रखे देखो लिख लिख के भाई, लोगों को नहीं है पता कितनी कीमती चीज है। वही देखो यार, हिरन है, लेडी है, मटका पानी वगैरह ये सब लेने वाले। इधर भी मतलब इस हॉल में ज्यादातर पेंटिंग इसी के ऊपर, ये रही एक लेडी है और क्या मटका है वगैरह। हाँ ये शायद से पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा क्या बना हुआ है, जो भी है ये है घोड़ा है। हाँ ये घोड़ा ही लग रहा है, घोड़े का मुंह है। हाँ इतना तो पता चल रहा है इसमें, और बाकी इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। फेस तो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। बट आशीष तो एक चीज देख रहा है, पेंट की क्वालिटी, इतने टाइम से पेंट हटा नहीं है भाई, ये तो है। और ये देख आंखें दिखाई देंगी अगर ध्यान से देखेगा तो, एक आंख हाँ, है और एक आंख हेरी, लिप्स है, नोज है, सर पर है इसके मटका और एक हाथ में। भाई तो तुम सोच रहे हो उस टाइम पे 200-300 साल पहले ज्यादा की, ज्यादा ही, तब की ये पेंटिंग बनी हुई है और इनकी कंडीशन कैसी है अभी भी। एंड सेकंड फ्लोर पे बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, तुम देख लो भाई, अब तो जंगल हो चुका है सारा। ये देखो यहाँ शायद घोड़े बनते होंगे या क्या था, ये रही सारी खिड़कियाँ वहाँ, मतलब अंदर की मेन साइड जो थी वो ऐसी थी, सारा कुछ ना कुछ था यहाँ पे, सब कुछ खराब हो गया भाई। इस वाले पोर्शन में भी चलेंगे, ये वाला अभी यहाँ भी चलेंगे, अभी दो फ्लोर हैं पर नहीं एक फ्लोर है, एक फ्लोर और ऊपर जाना है हमें, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाएंगे अभी। एंड वहाँ पे तुम्हें हमने तुम्हें वहाँ का दिखाई दिया है जो दीवार वहाँ पे गिरी थी, और उधर भी है कुछ, पर वहाँ शायद से जाना पाए, जा सकते हैं। ये सेकेंड लास्ट फ्लोर है इसका, एंड पूरी छत ही है, यहाँ से हम आए हैं, ये ओपन एरिया है ये, और इसके ऊपर बस एक छोटा सा पोर्शन हो रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा गांव देख सकते हो आप हमारा। ये यार देख लो यार, पूरा असोड़ा तुम्हें दिख रहा होगा दूर दूर तक। भाई ये महल देख रहे हो, मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, इसी महल के टाइम का मंदिर है, राजा महाराजाओं ने बनाया हुआ है। आप इसका भी आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर सेम है बिल्कुल। आप कलर भी देख लो, जैसे आपको इसकी दीवार का कलर दिखेगा थोड़ा सा ब्लैक, और उस टाइम का जो पत्थर होता है ना अलग ही पता चल जाता है कि बहुत पुराना है। एंड इसमें कृष्ण जी की मूर्ति है, वो अराउंड 400-500 साल पुरानी है, वो भी तुम्हें दिखाएंगे हम इसी ब्लॉग में दिखा देंगे, बहुत पुरानी मूर्ति है वो। एक बात बता, इस वाले मंदिर में वो सुरंग है या इसमें है? वो इस वाले मंदिर में थी सुरंग, वही राजा महाराजा के बनाए हुए टाइम के, तो उसी में मिलेगी सुरंग तो, बट अब तो बंद है, अब तो नहीं मिलनी वो। चोरी हो गया ऐसे पत्थर लग रहे हैं यहाँ पर, चोरी हो गया यहाँ से, पूरा सेट है। बताओ यार ये उस टाइम का, ये सारा का सारा भाई, जहाँ इंसान आ गए ना वहाँ कुछ नहीं बच सकता, सब कुछ चुरा लिया भाई सब कुछ, जो जगह कितनी अच्छी होगी ना इंसान उसका नाश कर ही देता है। कोई जगह से लवारिस पड़ी रहेगी ना, हाँ कोई भाई, और होगा क्या फिर तो, बस ऐसा फ्री का माल है भाई। ये देख रहे हैं दीवार की ऐसी कर रखी है, ये भाई देख लो कितना सा जीना है, सीढ़ियाँ, अरे भाई तो पैर भी फिट नहीं आ रहे।
चलो भाई तो फ्लोर पे आ गया भाई, बढ़िया फोटोशूट पोर्शन है भाई, सेक्सी लगेगा और यहाँ फोटोशूट बड़ा मस्त होगा। लोकेशन डलवा देंगे आप लोग आ जाना, यहाँ पे बढ़िया पोर्शन है। ये देखो तीन चार जगह आपको मिल जाएंगे, शाहरुख वेड शबनम, शाहरुख लव शबनम मिल जाएंगे ऐसे यहाँ पे बहुत सारी जगह। यहाँ कभी रात में मत आना, पहले ही बता रहा हूँ, दिन में तो ठीक है आ गए बट रात में यहाँ पे बहुत रिस्की सीन है यहाँ पे, क्योंकि रात में मना करते हैं आने से। बता दे आशीष बाकी तुम भाई, सीन ऐसा है, यही बोलते हैं कि जो राजा का जो वंश था पूरा वो किसी बद्दुआ के चलते ख़त्म हो गया, तो तब से यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है इसी वजह से, एंड इसके और रात में आता भी नहीं है, यही कहते हैं कि हॉन्टेड है वगैरह वगैरह। कहानियाँ तो बहुत सुनी है हमने भी, देखा हमने भी कुछ नहीं, बट हाँ कुछ लोग बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं, क्योंकि कोई रहता तो यहाँ पर है एंड डर से कि कुछ हो ना जाए उसको, एंड बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुए हुए हैं, यहाँ से कोई बंदा कुछ उठा के ले गया पता नहीं, कुछ खजाना वगैरह बताते थे मिल गया होगा, ये पेंटिंग वगैरह पेंटिंग वगैरह जाती हैं चीज़ें, कहते हैं जो भी यहाँ से कुछ चुरा के लेके गया उसका बुरा हाल ही हुआ है, बचा नहीं है वो, बचा नहीं है वो, हमारे बीच नहीं रहता। हाँ ये तो भाई इसलिए बोलते हैं कि ऐसे महलों में जाके कुछ मत चुराओ, जो जैसा पड़ा उसको पड़े रहने दो, कोई उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये पार्ट वन हम तुम्हें दिखा रहे हैं, हम यहाँ रात में भी आने वाले हैं, तब तो भाई हमारी भी ऐसी हो रही है। रात में आने के लिए पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी भाई घर वालों से, नहीं जो यहाँ महल के केयर टेकर हैं, जो बन गए हैं केयर टेकर, जो कर रहे हैं यहाँ काम वाम, दिखाया भी हमने आपको। हाँ तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आ सकते हैं नहीं, और मिलती है तो कोशिश तो पूरी करेंगे कि मिल जाए, और मिलती है तो आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी, हम तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड हैं। अभी इसके बाकी पोर्शन को जाके एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो बहुत बड़ा पड़ा है, पूरा दिखाते हैं तुम्हें, काफ़ी बड़ी वीडियो बनने वाली है, तो बस एंड तक रहना इसमें वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मज़ा आएगा तुम्हें, अभी आगे आके देखो तुम। अब चलते हैं फटाफट से दूसरी जगह पे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई ऐसा पोर्शन दिखाने वाला हूँ खुफिया पोर्शन, तो वो सिर्फ हाइप बनाने के लिए नहीं था कि आप आगे तक वीडियो देखें, अब हम उसी पोर्शन की तरफ चल रहे हैं। चलो भाई आराम से, जगह जगह तार फैले हुए हैं क्योंकि यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो लाइट वगैरह लगती है भाई। ये पोर्शन है, तीन चार गेट इधर उधर घूम घाम के आते हैं यहाँ पे, ये खिड़की है यहाँ पे, पर यहाँ जो मेन हाईलाइट जो है जगह की वो है ये पोर्शन, ये देखो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं इधर से आगे, सामने एक होल में खुलती है भाई, पता ही नहीं है तो उस तरफ जा रहा है लेफ्ट में ऊपर, अभी आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क लेके ऊपर भी जाके दिखाएंगे, अभी मैं जा रहा हूँ उसकी थोड़ी तलाशी लेने, कोई चमगादड़ या कोई बंदर या कुत्ता कुछ बैठा तो नहीं है, वो देख के आता हूँ पहले और फिर आपको लेके चलूँगा। भाई देख कर तुम आ गए, क्लीन है मतलब, क्लीन नहीं मतलब सब कुछ वैसे साथ है, कोई दिक्कत नहीं ऊपर जाने में, खतरा नहीं है, तो आओ चलते हैं। चलते हैं और बच्चों तुम ही रहो, तुम नहीं आओगे भाई, लाइट दिखा। चलो भाई साहब तो मैं फिट नहीं आ रहा भाई, देखना यार क्या आर्किटेक्चर था ये, कहाँ से क्या बना रखा है, बहुत बुरी हालत है भाई, ये तो पोर्शन बाहर नजर रखने के लिए। हाँ कैसे रखता हूँ यार इसे, ये देख लो ये तहखाना लग रहा है भाई, देख लो भाई चमकादड़ यहाँ भी है, और ये देखो अंदर और कर, ये पोर्शन है ये बंद हो गया, आप देखोगे तो आपको यहाँ अंडे दिखाई देंगे अंदर, अक्षित कोशिश कर रहा दिखाने की। हाँ अंडे दिखाई दे रहे हैं। हाँ ये पोर्शन इधर से निकल के लेफ्ट राइट दोनों तरफ जाता है, बट यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ये जगह ऐसी लग रही है, अगर ऐसा हो कि मैं अंदर घुसता हूँ कुछ गिर जाए ऊपर फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ बहुत ज्यादा भाई, मेरे को तो डर सा लग रहा है यहाँ से निकलते हैं आशीष, पता नहीं क्यों भाई मेरे को यहाँ पे आ रही है बहुत अजीब सी फील। ठीक है चलो भाई, भाई बहुत मुश्किल है ऐसा उतरना, अरे भाई करना चाहिए, ये इन बच्चों को भी मना करा था पर सुनते किसकी है, आ गए। अरे यार चलो फटाफट चलते हैं मेन दखानों पे, जहाँ पे मुजरिमों को रखा जाता था वो तुम लोगों को दिखाते हैं। नहीं पहले लेफ्ट वाले पोर्शन में चल रहे हैं ये वाला, चलो भाई भाई हालत देख लो, झाड़ियाँ बुरी हालत है, मैं अंदर था सफोकेशन होनी स्टार्ट हो गई, तुम लोगों को पता है अगर कुछ नेगेटिविटी होती है तो थोड़ा फील होने लग जाता है, तो मेरे को वैसा ही होता, मैंने आशू बोला फटाफट नीचे चल ले भाई, अजीब सा लग रहा था। ये रास्ते देख लो
अभी इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ चलते हैं। यहाँ तो मोस्टली नीचे वाला पोर्शन तो टूट ही चुका है, देखोगे आप फ्लोर भी ऐसे ही हो रहा है गंदा सा, तो इसके ऊपर वाले पोर्शन पे चलते हैं पहले। सफोकेटेड जगह है बिल्कुल भाई, मैं सोच रहा हूँ मुजरिमों का क्या हाल होता होगा यहाँ बेचारे, पर चाहिए मुजरिमों का तो यही हाल होना चाहिए, मुजरिमों को तो बेचारा बोलना ही चाहिए बोलना ही नहीं चाहिए सही बात है। एंड पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, हम ऊपर गए थे बिल्कुल गाइस, ऊपर वाले पोर्शन पे तो आ गए, यहाँ कोई अच्छा हाल नहीं है, यहाँ भी हाल बुरा ही है, हर जगह झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ भाई, काटे हैं इनमें तो भाई, ये पुराने मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हैं यहाँ पे अमन सैम, तो भाई ये भी पुराने जमाने के मुजरिम ही रहे होंगे भाई। ये देखो यहाँ होंगे पिलर्स टूट गए हैं, और तुम देख रहे हो बिना पिलर्स के भी कैसे टिका हुआ है सब कुछ यहाँ पे, और ये देख लो यहाँ पे बांधा जाता होगा मुजरिमों को, ये अरे ना खुंटा बोलेंगे ना, हाँ। ये देख लो तीन खुंटे यहाँ पे हैं, चेन से जो बांधते थे, देख लो भाई हालत यहाँ की, यहाँ भी कुछ होगा ही, यहाँ भी आज़ाद, ये भी मुजरिम होगा कोई, ये देख लो भाई, मैं इसलिए बोलता हूँ ऐसी जगह को खराब मत किया करो यार, इतनी बढ़िया जगह है खराब कर देते हो। ऊपर देख लो ऊपर भी खुंटे हैं, एने पेंट उसी टाइम का है ब्लू, देख लो जगह थोड़ा सा ओपन में आ जाते हैं भाई, हम आए थे उधर उस साइड से, वो रहा वाला मेन पोर्शन जो यहाँ से निकले हम ऊपर से, हम जा रहे हैं इधर से, ये वाला पोर्शन थोड़ा टूटा हुआ है बट जीना जो है स्टेयर जो है वो ठीक है, तो भाई आराम से आना गिरना मत, हाँ और चोट लगी कांटों में जाओगे, धीरे से आना, और भाई सीक्रेट पोर्शन बोलते हैं इनको, कहीं भी देख रहे हो कहीं लड़ाई हो जाती होगी उस टाइम पे, तो जल्दी कहीं से निकलने के लिए रास्ते बना रखे हैं, क्योंकि इसके सामने एक पोर्शन है वहाँ चलेंगे पहले, और फिर आपने देखा होगा इधर टूटा हुआ पोर्शन ऊपर से जब दिखाया था हमने, हाँ। उस पोर्शन में चलेंगे वहाँ, देखते हैं वहाँ क्या बचा हुआ है, ज्यादा ज्यादा चीज दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। एंड गाइस आशीष बता रहा है यहाँ पे सामने जगह दिख रही है, यहाँ पे बनते थे घोड़े, घोड़ों का अस्तबल कहते हैं इसे, ठीक है, राजा महाराजाओं के महारानी के यहाँ घोड़े बनते थे, अब पहले पोर्शन चल रहे हैं देखते हैं क्या मिलता है देखने लायक। और भाई यहाँ की हालत तो तुम खुद ही देख लो क्या हो गई है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं दिखाने को हमारे पास, बस ये वही है खिड़कियाँ वगैरह, एंड तुम महल का साइज देख लो, ये वहाँ तक फैला हुआ है, मतलब ये बहुत बड़ा है, बस यहाँ पे तो यही है, और यहाँ से क्या है देख लेते हैं, कुछ है यहाँ बाकी दीवारें वगैरह जो गिरी हैं उन्हीं के ही पार्ट हैं ये जो गिर गिर कर टीले से बन चुकी, वो वाला पोर्शन देखोगे तो वो छोटी सी आपको खिड़की दिखाई दे रही है, तो वो गुफा हुआ करती थी यहाँ से सामने बड़े वाले मंदिर में, और उस मंदिर से फिर इधर उधर निकलती थी, कहते हैं लोग कि मेरठ निकलती थी एक, एक इधर आपका गढ़ मुक्तेश्वर की तरफ निकलती थी, तो यहाँ पर जब दीवार गिरी तो ये बंद हो गई, बंद हो गई गुफा, अब यहाँ से बाहर निकल कर जाते हैं मंदिर की तरफ, और तुम्हें दिखाते हैं वो मूर्ति, जो मूर्ति थी बहुत पुरानी 300-400 साल पुरानी कृष्ण जी की, वो दिखाते हैं भाई, हम जाने वाले थे मंदिर की तरफ बट मेरे भाई ने वाले पोर्शन में जाने का भी रास्ता ढूंढ लिया, चेक हमने कर लिया है, टूटा वूटा कुछ नहीं है तो आराम से निकल सकते हैं, सेफ है, बस देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है, भाई ये तो और खतरनाक जगह लग रही है, ये देख लो ये चीकू भाई कहाँ लाए हैं दीवार पे बैठने के लिए, सही अड्डा है वैसे तो, ये आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं यार, उस वाले पोर्शन तक जा पाते तो मजा आ जाता, दिखाते बट जा नहीं पाएंगे, अगर वहाँ गए तो हमारे हाथ पैर टूट सकते हैं, तो हम वहाँ पे नहीं जा रहे भाई, वो फ्रंट पोर्शन है ये यहाँ की छत है, आगे देखोगे तो वो छत भी नीचे से टूटी हुई है, तो उधर जाना ठीक नहीं लग रहा मुझे, अब हम निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं मंदिर की तरफ, और दिखाते हैं आप लोगों को किस मूर्ति की बात कर रहे थे हम, जो इतनी देर से बता रहे हैं कि ये मूर्ति वो मूर्ति पुरानी मूर्ति, वो तो बता दिया कृष्ण जी की, और आप देखोगे तब उस मूर्ति को तो आपको भी लगेगा कि हाँ कि हम सिर्फ बकवास नहीं कर रहे हैं। हेलो गाइस, वाकई में मुझे भी दिखा दे,
हाय गाइस, मैं देख लो कहाँ पे खड़ा हूँ, कभी भी गिर सकता हूँ, नीचे उतरते हैं। चलो भाई। एंड गाइस, हम लोग निकल गए महल से बाहर, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, तुम लोगों को वो मूर्ति दिखाते हैं पुरानी। एंड गाइस, एक और चीज़, मंदिर तो कुछ ऐसा दिखता है, ये पंडित जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, वो लग रहा है ब्लैक बोर्ड में, तुम्हें दिखा देता हूँ। ये इनका झूला है, ये देख लो, यहाँ एक ब्लैक बोर्ड, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, सामने भी है, पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं, बेंच वगैरह, ये रही, ये देख लो इन्हें। अब तुम लोगों को दिखाते हैं वो मूर्ति। ऐसा कुछ मंदिर है, ये मूर्ति है कृष्ण जी की एंड राधा जी हैं। एंड ऊपर देखो, ये तभी का डिजाइन है सारा, इसको शायद से शिल्पकार बोलते हैं ना, शिल्पकार की वो सारी डिजाइनिंग है। एंड कृष्ण जी रहे, दोबारा देख लो पास से, एंड छोटे गोपाल जी रहे। बाबा जी, मैं मुझे पंजी का होता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और मेरे नाना जी थे। अच्छा, हाँ जी, ठीक ठीक है। तो हम जरा मंदिर और महल की वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे जरा बात करनी थी मंदिर और मंदिर की मूर्ति के बारे में। कहते हैं ना कि बहुत पुरानी मूर्ति है राजा महाराजा की। बहुत पुरानी मूर्ति है, आपके घर के सभी जानते हैं, जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो में बताएं। अच्छा अच्छा, लगभग कितनी साल पुरानी मूर्ति होगी आपका अंदाजा? देखो, ये मूर्ति करीब करीब मतलब भाई आज़ादी के पहले से तो कांग्रेस का इनका आना जाना है, इसके पहले से ही वो मंदिर है और इसके पहले से है, तो 200 साल का करीब जरूर पुराना होगा। हम अभी बात कर रहे थे महल के बारे में, तो हमने जब देखा कि महल में क्या हुआ है क्या नहीं, तो हमने देखा कि गांधी जी भी आज़ादी के समय से पहले महल में और यहाँ मंदिर आकर होकर गए हैं। हाँ, और यहाँ कमला नेहरू इंदिरा जी को लेकर बहुत दिन रुकी हैं। कमला नेहरू जी इंदिरा जी को लेकर रुकी हैं? हाँ, इंदिरा जी को लेकर रुकी हैं, क्योंकि वहाँ उनका इलाज होता था भुवाली वगैरह। अच्छा, तो वहाँ की जलवायु उनको सूट नहीं करती थी, यहाँ आकर फिर उनको जलवायु सूट की, तो वहाँ बहुत दिन तक वो यहाँ रही। अच्छा, इसके इतिहास में भी लिखा हुआ कमला नेहरू जी को। हाँ, इतिहास तो काफी पुराना है, रघुवंश काफी पुराना है। और क्या? अच्छा बाबा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अरे, आई होप गाइस तुम लोगों का आज का महल का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक करो, इस पर कमेंट करो, इसको शेयर करो, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार इतनी मेहनत लगती है सब ब्लॉग बनाने में, तुम लोगों ने देख लिया होगा हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ घुसे हैं, बड़ी मेहनत लगी है। तो कर दो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री राम।